अब इसे हम डाल दिए अच्छे से, साइड साइड से इसे थोड़ा थोड़ा दबाना है, उसके बाद आप इसे आराम से पलट दो इसे। ये मेरा अच्छा आ रहा है इसका कलर। हेलो दोस्तों, देसी कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है, और आज हम बनाने वाले हैं रुमाली रोटी, बिल्कुल देसी तरीके से घर में और बिल्कुल आसानी से। चलिए रुमाली रोटी बना के आज मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमने मैदा और आटा ले लिया है, इसमें बड़े वाले कप से 2 कप मैदा और 1 कप आटा है। तो चलिए अब इसे हम अच्छे से गूंद लेते हैं, और इसमें अभी हम 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी डालेंगे, ये देखिए, और इसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड डालेंगे। ये अपना 2 चम्मच रिफाइंड हम इसमें डाल दिए, इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम इसे गुनगुना दूध से इसे अच्छे से गूंदेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। दोस्तों, हमने इसमें से थोड़ा सा सूखा पहले ही निकाल लिया है, उसके बाद हम इसे अच्छे से गूंदेंगे और जरूरत पड़ने पे उसे हम मिक्स करेंगे। ये गुनगुना दूध हमारा आ चुका है, तब हम इसे डालेंगे अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल गीला सानना, ये देखिए, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा आप इसको छींटते रहें, और बिल्कुल ढीला रखना, बिल्कुल मुलायम, देखो ऐसे ही रखना है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसा सानना है, देखिए बिल्कुल नरम। ये हमारा हो चुका है तैयार, अब इसे और इसे आप 10 मिनट तक गूंदेंगे हम अच्छे से। 10 मिनट के बाद हम इसे अच्छे से गूंदने के, पूरे पूरा 10 मिनट आपको इसको गूंदना है। गूंदने के बाद आप इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ के गीले कपड़े से ढक देंगे, उसके बाद फिर हम इसे बनाना शुरू करेंगे। इसे हम 20 मिनट के लिए गीला कपड़ा से ढक के रख दो आप, और उसके बाद फिर हम आगे इसको बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अब हम नमक और पानी का घोल बनाएंगे और इसका कोटिंग करेंगे अपने कढ़ाई पे, ताकि अच्छे से रुमाली रोटी बनेगा और उसमें नॉन स्टिक हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसे करना है, बिल्कुल इतना गीला होना चाहिए, ये देखिए हाथ में चिपक रहा है, ये तभी अच्छे से हमारा रुमाली रोटी बन सकता है। तो आप इतना ढीला रखना आटे को, ज़्यादा सख्त नहीं करना है आटे को। और तो चलिए अब हम इसे बेलते हैं। आप इसे आराम आराम से ऐसे बेलें, दुकान में तो हाथ से उछाल उछाल के बेलते हैं, लेकिन घर पे आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्लास्टिक होना जरूरी है। तो हम इसे ऐसे ही बेलेंगे। मिट्टी का लेप कर लिया है ताकि ये साफ हो जाए आसानी से, तो अब इसे हम पलट के डाल देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो नमक पानी का हमने घोल बनाया था उसका हम कोटिंग कर लेंगे। अब इसे हम डाल दिए अच्छे से, साइड साइड से इसे थोड़ा थोड़ा दबाना है, उसके बाद आप इसे आराम से पलट दो इसे। ये मेरा थोड़ा ज्यादा जल चुका है, तो थोड़ा इसे कम करना है, उसके बाद ये तैयार हो चुका है दोस्तों। इसे हम अच्छे से बेल चुके हैं, अब इसे हम उठा के कढ़ाई पे रखेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, तब इसे हम अपने रखने के लिए रखेंगे। और रुमाली रोटी रखने में बहुत दिक्कत होता है उठा के, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आसानी से कैसे रख सकते हैं। तो चलिए इसे हम उठाते हैं। तो आप इस तरह से आप इसे उठा सकते हैं, आप इसे आराम से बेलना पे डाल लीजिए और आराम से ऐसे घुमा के इसको ऐसे करके फिर लेके रखना है। देखिए, ऐसे आप आसानी से इसे डाल सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, हमारा रुमाली रोटी बिल्कुल बनके तैयार है। ये देखिए बिल्कुल मुलायम है और ये बिल्कुल ही पतला है। तब इसे हम खाएंगे, खा के आपको बताएंगे कैसा बना है। तो इसको हम खा के बताते हैं आपको। दोस्तों बहुत अच्छा टेक्सचर आ रहा है रुमाली रोटी का, बहुत अच्छा बना है। और हम रुमाली रोटी के साथ पनीर टिक्का बनाए थे आज, तो मैं उसके साथ खा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई भी तीखी सब्जी के साथ आप खा सकते हैं। तो बहुत अच्छा बना है रुमाली रोटी, आप भी ट्राई करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।